वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कुंडली भाग्य के अंदर करीना बुआ की एक ऐसी चाल सामने वाली है जो कि करण और प्रीता को दूर कर रख देगी, और यहाँ पर करण को फोर्स किया जाएगा कि वो जाए और यहाँ पर अपनी नई वाइफ यानी यहाँ पर मायरा के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करे। और यहाँ पर करण को वो पता भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर उसे थोड़ी बहुत और नजदीकियाँ बढ़ाने के लिए मायरा को कुछ टिप्स भी दी जाएंगे। क्या क्या होगा खास, सब कुछ हम आपको बताएंगे। ये ट्विस्ट काफी ज्यादा बेहतरीन है, तो आप बने रहिए ईशानी वीडियोस के साथ में और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें अप्रिसिएशन मिलते रहे और हम आपको ऐसी रियल इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहें। आपको देखने को मिलने वाला है आने वाले एपिसोड्स के अंदर कि यहां पर अब करीना बुआ आगे बढ़ेंगी और करण को और मायरा को फोर्स करेंगी कि तुम जाओ करण और मायरा एक साथ में और थोड़ा टाइम स्पेंड करो, जिससे कि मायरा तुम कुछ जान पाओ करण के बारे में और करण के पास में और उसके दिल की बातें जान पाओ। और वहीं आपको देखने को मिलेगा कि करण और मायरा दोनों साथ में रहेंगे और थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हुए नजर आएंगे, जहां पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आएगा। अभी यहां पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है वो भी लेकर सृष्टि और समीर को, क्योंकि सृष्टि और समीर करण और प्रीता को मिलाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रीता भी दोराहे पर आके खड़ी हो चुकी है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो माँ की बात सुने या फिर अपने दिल की बात सुने उस पे यहाँ पर वो उलझी पड़ी है। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पर आएगी मायरा और जाएगी करण के साथ में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने, लेकिन अभी यहाँ पर अब दिल टूटने वाला है मायरा का। आप सब सुनकर काफी ज्यादा खुश भी हो रहे होंगे कि दिल कैसे टूटेगा, अब इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। हम आपको सारी बातें बताएंगे। पहले करण को यहाँ पर ब्लैकमेल किया जाएगा और करण को यहाँ पर शादी के लिए मंजूर किया जाएगा, लेकिन शादी होगी भी या फिर नहीं, क्योंकि तैयारियां तो शुरू हो चुकी हैं, मन में काफी ज्यादा सवाल होंगे। तो आपको बता दें, शादी की तैयारी शुरू हो चुकी होगी, लेकिन बीच में सबसे बड़ा ट्विस्ट आएगा जहां पर करण तोड़ देगा मायरा का दिल। अब कैसे तोड़ेगा वो जल्दी आपको पता चल जाए। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें अप्रिसिएशन मिलते रहे और हम आपको ऐसी रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू।